हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मोबाइल से इंटरनेट कैसे चलाते हैं सिस्टम के अंदर। जैसे कि ये मेरे सिस्टम है, सिस्टम के अंदर ये यहाँ पे देखिए, ये इंटरनेट लगा, इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, आपको मैं चला के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब चलाया, ठीक है, एंड यूट्यूब ये देखिए ओपन हो रहा है। ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है, कोई सा भी वीडियो आप प्ले कर सकते हैं। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है कभी कि आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप मोबाइल से कैसे चलाएंगे? अब आप सोचेंगे कि हॉटस्पॉट लेंगे, तो हॉटस्पॉट के लिए आपको ना एक वायरलेस यूएसबी आता है, वो होना चाहिए। तो अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो आप जो डाटा केबल है, उस वो डाटा केबल से आप कैसे नेट चला सकते हैं, वो भी फास्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये मेरे पास एक मोबाइल है। अब मोबाइल मेरे पास है तो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे कि मेरे पास मोबाइल है, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है। मैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास मोबाइल है और मेरे पास एक डाटा केबल है, मोबाइल का ही डाटा केबल है, टाइप सी मेरे पास मोबाइल है। ठीक, तो अब बारी आती है मैं मोबाइल के अंदर ये डाटा केबल इंसर्ट करता हूँ, जहाँ पे चार्ज करते हैं। और ये जो मेन जहाँ पे ये एडेप्टर में डालते हैं इसका जो डाटा केबल का साइड, तो वो मैं सीपीयू के किसी भी पोर्ट में लगा देता हूँ जिसमें आप कीबोर्ड लगाते हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली लगाता हूँ। यहाँ मैंने नॉर्मली लगा दिया। ठीक है, और लगाने के बाद यहाँ पे मैं जो नेट का मेरा इथरनेट केबल है उसको मैं हटा देता हूँ सीपीयू से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हटा दिया। अब आप देख सकते हैं जो मेरे कंप्यूटर है उसमें यहाँ पे जो इंटरनेट का ऑप्शन आ रहा था वो हट गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मोबाइल में ये ऑन कर लिया है। ठीक है, मोबाइल से मैंने कनेक्ट कर लिया है कंप्यूटर को। ठीक, अब मुझे कंप्यूटर में नेट चलाना है, तो सबसे पहले आप सेटिंग करेंगे कुछ जो मेन सेटिंग है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाते यहाँ पे आपको वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा, और वाईफाई के अंदर यहाँ पे पोर्टेबल हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे यूएसबी थेदरिंग का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। अगर आप नॉर्मली यहाँ पे ये हटा देंगे, जैसे मैं इसको अपने डाटा केबल को मोबाइल से हटाता हूँ, देखिए हटाता हूँ, ये देखिए यूएसबी थेदरिंग का ऑप्शन हट गया। जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ तो यूएसबी थेदरिंग का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वैसे ये देखिए मेरे पीसी में अभी कुछ आएगा। ये देखिए मेरे पीसी में नॉर्मली यहाँ पे आ गया है। और जो इसका एक्सेस है मैं आपको बता देता हूँ, नेट चला के दिखाता हूँ। ठीक है, जो मोबाइल से नेट चलता है कितना स्पीड चलता है, ये मेरा यूट्यूब फिर से मैंने ओपन कर लिया, और ये मैंने यूट्यूब से ओपन कर लिया। उसके बाद आप कुछ भी चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी जैसे देखिए मैं आ ये सकते हैं। फ्यूचर टीम बस है और मैं हूं ठीक, इसका टीसी। तो इस हिसाब से आप, अगर आपके पास नेट की सुविधा ना हो तो आप मोबाइल से भी नेट चला सकते हो, वो भी डाटा केबल के मदद से। आई होप कि आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।